हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको जो आपको मैंने यूनिट थर्ड के अंदर एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड में पढ़ाया था उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो इसमें इस वीडियो में मैं बता रही हूँ अगर एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और अगर सब्जेक्टिव एग्जाम रहा तो आपके लिए दोनों वो वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल रहेंगे कि आप उनको अच्छे से समझिए तो आपके लिए कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आपको नहीं आएगा जो हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि इसमें किस टाइप के एम बन सकते हैं आई होप आप इसको अच्छे से समझें ताकि आप ये चीज़ें याद रख सकें लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले यूनिट्स को एक बार जरूर सुन लीजिए अगर आप वो अच्छे समझ लेंगे तो आपको बिना प्रॉब्लम आए आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम क्या क्या एम सी क्यूज़ हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाईज टू एंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितना हो सके कंट्रोल अगर कंट्रोल है वाटर सप्लाईज़ का तो ये इंश्योर करता है कि जितना वाटर के सप्लाई तो जितनी कंट्रोल रहेगी तो पॉल्यूटिड नहीं होगा एयर सॉरी वाटर कितना प्योर और होलसम रहेगा तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था डब्ल्यू एच ओ ने दिया था सेकेंड क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन एंड ऑल द पॉल्यूशन दैट ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी माइट कॉज थ्रू आउट इट्स लाइफ स्टाइल कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ मैंने कुछ मैनेजमेंट uh, के दौरान प्रिंसिपल बताए थे तो ये प्रिंसिपल के अंदर ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या पॉल्यूशन के लिए एक्टिव कर, कर रहा है एक्टिविटी कर रहा है पूरी लाइफ साइकिल तो वही रिस्पॉन्सिबल है तो ये प्रिंसिपल किसके अंदर आया था प्रिंसिपल ऑफ क्रेडल टू ग्रेव थर्ड क्वेश्चन है ओवर क्राउडेड हाउस कॉज जो ओवरक्राउडेड हाउस होता है उनकी वजह से मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज फोर है सेफ वाटर सेफ वाटर किसे कहा जाता है सेफ वाटर किसे कहते हैं फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स प्लेजेंट टू टेस्ट यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पज इसका ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव फिफ्थ क्वेश्चन है इन नॉर्मल सॉइल्स द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो नॉर्मल सॉइल है हमारा लैंड है लैंड एरिया है जो जमीन है हमारे उसका और जो डिस्टेंस कितना होना चाहिए जो कुआ है वो और कंटामिनेंट एरिया कंटामिनेंट एरिया मतलब लाइक दिस ड्रेनेज सिस्टम है या सेप्टिक टैंक है या ऐसी जगह है जहाँ पर या लैंडफिल कोई स्पेस है ऐसी कोई जगह जहाँ पर पॉल्यूशन या फिर कंटामिनेट प्रोडक्ट वहाँ इकट्ठा हो रहा है और उससे और जो कुआ है रिवर है उनके मेनली डिस्टेंस कितना होना चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन है शुड नेवर बी लेस देन फिफ्टीन मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है एस ओ डी आई एस रिलाइज ऑन डैश टू किल बैक्टीरिया ये किसके लिए यूज़ किया गया है सन एनर्जी के लिए नेक्स्ट है पोटेशियम पर मैगनेट इज़ यूज फॉर डिसइनफेस्टेश पोटेशियम पर मैगनेट है कंपाउंड वो मेनली किसकी डिसइनफेक्शन के लिए यूज होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए नेक्स्ट है डिजीज कॉस्ड बाय इंसेक्ट वैक्टर स्पेशली मॉस्किटो दैट ब्रीड और फीड नीयर वाटर आर ऐसी कौन सी ऐसे कौन सी डिजीज की वजह से इंसेक्ट और वैक्टर जैसे कि मॉस्कीटोज पैदा हो रहे हैं पानी के अंदर तो ऐसा कौन सा है जिसकी वजह से पैदा हो रहे हैं तो वाटर रिलेटेड डिजीज़ माटर वाटर इकट्ठा हो रहा है उस जगह मॉस्किटोज और वैक्टर्स बॉर्न हो रहे हैं और उसकी वजह से बीमारियाँ हो रही हैं ठीक है नेक्स्ट है ऑर्थोटोडिलिन आर्स टेस्ट इज़ यूज टू डिमाइंड जो ओ टी ए टेस्ट है वो क्यों यूज़ किया जाता है वो क्या देखने के लिए किया जाता है अमाउंट ऑफ फ्री क्लोराइन रेजिडियोल जो पानी है उसके अंदर जो क्लोरिन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो वो जो फ्री रेजिडियोल को रहते हैं वो भी हार्मफुल होते हैं तो उसकी अमाउंट को चेक करने के लिए ओ टी ए टेस्ट किया जाता है नेक्स्ट है एसिड रेन इज़ अ ग्लोबल इफेक्ट ऑफ जो एसिड रेन है वो पूरा ग्लोबल इफेक्ट है वो कौन सा पॉल्यूशन में आता है एयर पॉल्यूशन में आता है नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स इज़ अ सोर्स ऑफ जो फर्टिलाइजर्स की वजह से पॉल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है इंडस्ट्रियल सोर्स है नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ क्लाइमेट रिड्यूस फूड प्रोडक्शन इंक्रीज सी लेवल रिजल्टिंग फ्लड्स नेक्स्ट है ग्रीन बेल्ट इज अ रेमेडी फॉर ग्रीन बेल्ट किसके लिए ज़्यादा यूज होता है कौन सा पॉल्यूशन के लिए एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए ग्रीन बेल्ट यूज़ किया जा रहा है नेक्स्ट है एनिमल डंक जो एनिमल की गंदगी है क्रॉप रेजिड्यूज ग्रास एंड लीव्स ये किसके कौन से वेस्ट कहलाते है? हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट कहलाते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सुलेज जो सुलेज होता है सुलेज मैंने आपको बताया है किचन और जो डोमेस्टिक वेस्ट आता है मटेरियल जो बहता है पानी में बिना ह्यूमन एक्सिटा के उसको हम सुलेज कहते हैं तो अगर उसको प्रॉपर डिस्पोज किया तो उसका क्या डिसएडवांटेज होता है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है इंक्लूड द पोटेंशियल टू कंटामिनेट द सॉइल सॉइल कंटामिनेट हो सकता है पॉल्यूड वाटर सोर्सेज एंड क्रिएट फेवरेबल ब्रीडिंग कंडीशन फॉर डिजीज बैक्टर ये ये डिसएडवांटेज है अगर प्रॉपर तरीके से हम सुलेज का डिस्पोज नहीं कर पाए तो नेक्स्ट कैरेज सैनिटेशन सिस्टम इज़ यूज जो कैरिज मतलब ये कंटेनर जो सैनिटेशन होता है वो कौन से सिस्टम यूज होता है सेप्टिक टैंक में नेक्स्ट एयर वेलोसिटी इज़ मेजर बाय जो एयर की वेलोसिटी है उसको किस तरह मेजर किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा नेक्स्ट है हॉरक्स एपरेटस एस्टिमेट जो हॉरक्स एपरेटस है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है क्लोरीन डिमांड जितनी मतलब वाटर में कितनी क्लोरीन की आवश्यकता है उस डिमांड को पता लगाने के लिए एक हॉरक्स एपरेटस का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट स्कैबीज एंड इन्फेक्शन ऑफ द स्किन कॉज बाय सार्कोप्टिस आई इज़ एन एग्जांपल ऑफ ये एक स्किन डिजीज़ है जो किसकी वजह से हो रहा है मेनली वो किसकी वजह से वाटर वॉश डिजीज़ पीने की वजह से नहीं वाटर से जो कंटामिनेटेड वाटर है उसकी वजह से हम अगर हाथ धो रहे हैं रहे हैं या फिर जो भी हमारे स्किन पर टच हो रहा है वो गंदा पानी उसकी वजह से ये स्किन इन्फेक्शन हो सकता है नेक्स्ट है टेम्प्ररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस हो जो हार्डनेस पाई जाती है पानी में टेम्प्ररी रूप से वो किस कंपोनेंट्स की वजह से पाई जाती है तो वो है बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नेक्स्ट है एयर वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय एनिमोमीटर जो ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट पेज में बता दिया था नेक्स्ट है वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन जो वाटर निकल रहा है किचन से उसे क्या कहते हैं हम सुलेज बोलते हैं और जो किचन से पानी निकलता है उसको ग्रे वाटर मतलब ग्रे जी आर री वाई ग्रे वाटर भी कहते हैं और जो मैटरिन से निकलता है मतलब जो गंदा पानी होता है ह्यूमन एक्सरेटा से जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ब्लैक वाटर और जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है उसमें बोलते हैं वाइट वाटर ठीक है ये जस्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ये जस्ट नॉलेज के लिए आपके लिए नेक्स्ट है पोलियो वायरस ट्रांसमिशन डज नॉट अकर थ्रू पोलियो वायरस ट्रांसमिशन इसके द्वारा नहीं होता है किसके द्वारा नहीं होता है सुलेज क्योंकि सुलेज क्या है एक किचन और डोमेस्टिक वर्क के दौरान जो पानी निकल रहा है वो इतना ज़्यादा दूषित नहीं होता है तो इसके द्वारा पोलियो वायरस ट्रांसमिशन नहीं होता है लेकिन सीवेज के द्वारा हो सकता है क्योंकि सीवेज में ह्यूमन एक्सडेटा भी इंक्लूड हो जाता है नेक्स्ट है मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मैथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल बहुत अच्छा मेथड कौन सा है रिफ्यूज़ को डिस्पोज करने का कंट्रोल्ड टिपिंग। नेक्स्ट है टेन टू डेज रूल इज़ रिलेटेड टू टेन डेज़ रूल किससे रिलेशन रिलेटेड होता है तो इसका आंसर है रेडिएशन प्रोटेक्शन इन प्रेगनेंसी रेडिएशन प्रोटेक्शन इन प्रेगनेंसी टेन डेज़ रूल में क्या है जो टेन डेज के दौरान टेन टू फोर्टीन डेज़ के अंदर क्या होता है ओवोलिशन पीरियड होता है और उस दौरान जितना हो सकता है रेडिएशन से प्रोटेक्शन करना चाहिए तो टेन डेज़ रूल किसके लिए होता है जो प्रेगनेंसी की तरफ है तो उसके लिए रेडिएशन प्रोटेक्शन इन प्रेगनेंसी होना चाहिए आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इससे कंटिन्यू स्टडी कीजिए और भी हो सके तो आप इसका रिवीजन करके फिर क्वेश्चंस को समझिए थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज़ आप इस वीडियो को और, और भी अदर वीडियोस को हो जितना हो सके लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए थैंक यू